नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे 57 इंच की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्तावन इंच की बात कर रहे हैं हम। मोदी ने 57 मंत्रियों के संग शपथ ली थी और 57 उनका 56 इंच सीने की बात की जाती है, अब उनका 57 इंच का सीना हो गया है। बीजेपी के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके अलावा 57 और मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें 24 कैबिनेट मंत्री, 24 राज्य मंत्री और 9 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री शामिल थे। इन मंत्रियों में शामिल 2 नाम एस जयशंकर और प्रताप सारंगी चौंकाने वाले थे, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले 2 नाम थे जो इस लिस्ट में शामिल नहीं थे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इन लोगों को जगह मिली थी, लेकिन जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो इन लोगों को जगह नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल नया है, लेकिन टीम कमोबेश पुरानी है। मोदी की 57 की सेना देश के कई राज्यों से है, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार मोदी अपनी 57 की सेना के साथ पूरे देश को केसरिया रंग में रंग देने के लिए तैयारी कर चुके हैं और उनका अगला निशाना बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली है, जिसे लेकर जोर आजमाइश भी तेज हो चुकी है। आगे करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। 30 मई को वो ऐतिहासिक दिन बन गया जब राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के 57 सहयोगियों को शपथ दिलाई। सबसे खास बात यह है कि इस बार नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकार के लगभग 40% मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है। ऐसे में इस बार कई नए चेहरों को भी मौका मिला है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मंत्री पद देने से पहले एक तरह से इम्तिहान लेकर ये समझने की कोशिश की थी कि अगर उन्हें मौका दिया जाता है दिनों में क्या काम करेंगे। हालांकि मोदी की 57 की सेना देश के कई राज्यों से है, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार मोदी अपनी 57 की सेना के साथ पूरे देश को भगवा रंग में रंगने के लिए तैयारी कर चुके हैं और इनका अगला निशाना बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली है। अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या मोदी 57 मंत्रियों के साथ ला पाएंगे स्वर्णिम युग। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। क्या मोदी जी और उनकी 57 की सेना इस बार भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग लेकर आ पाएगी? क्योंकि पिछली बार जब 20 राज्यों की सरकार बन गई थी, 20 राज्यों में सरकार हो गई थी, तब शाह से पूछा गया था कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग है, और बहुमत की सरकार केंद्र में थी, तब उन्होंने कहा था नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग नहीं है। अब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की 300 के पार की सरकार बन गई है, बहुमत की सरकार बन गई है और सहयोगियों की बात करें तो 350 का आंकड़ा भी पार कर चुकी है और 16 राज्य हैं उनके पास में। लेकिन ये जो 57 की उनकी सेना बनी है, क्या भारतीय जनता पार्टी को स्वर्णिम युग में ले जा पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। निशाना एकदम साफ है, मंजिल एकदम साफ है, टारगेट एकदम साफ है और 57 की सेना उस ओर काम करेगी, क्या रिजल्ट दे पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में चर्चा करने के लिए खास मेहमान पहले ही जुड़ चुके हैं, हम उनका तारुफ करा देते हैं आपसे। डॉक्टर मनोज पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनेन तिवारी भी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं और चंद्रमोहन चौबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है।
सीधे चलते हैं पहले चंद्रमोहन चौबे जी के पास में। चंद्रमोहन चौबे जी, सवाल आपसे यही है कि क्या ये जो 57 की सेना है वो अब स्वर्णिम युग दिला पाएगी भारतीय जनता पार्टी को? जी देखिए, सबसे पहले तो जो है जो टीम बनी है वो बिल्कुल जो है योग्यता के आधार पे बनी है, उनकी कार्यप्रणाली के आधार पे बनी है, उनके दक्षता के आधार पे बनी है। और माननीय मोदी जी के का जो लक्ष्य है 5 वर्षों का, भारत को जो है एक यशस्वी राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में, उसको ये उस दिशा को पूरा करने वाला ये मंत्रिमंडल है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो चाहे लगभग लगभग जो है एक आध को छोड़ दीजिए तो सभी को वही मिला है मंत्रालय जो जिन्होंने पिछली बार उसमें अपनी योग्यता सिद्ध की थी, चाहे नितिन गडकरी जी से लेकर और भी लोग हैं, तो इसमें आप देखेंगे। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि इसमें पूरे भारत का जो गुलदस्ता है उसी तरह, चाहे उड़ीसा से जो है, चाहे आप सारंग प्रताप सारंग जी को देख लीजिए, चाहे जो लोग भी है, उनको उनकी योग्यता कार्य प्रणाली और दक्षता के आधार पर ही मंत्रिमंडल में जगह मिला है। चलिए, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, मनोज पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज जी आपके पास आएंगे, जो सवाल मैंने चंद्रमोहन जी से पूछा था वही आपसे भी जानना चाहता हूँ। क्या ये जो मंत्रिमंडल बना है, 57 की जो सेना है, वो भारतीय जनता पार्टी को स्वर्णिम युग में प्रवेश करा पाएगी? देखिए, स्वर्णिम युग तो एक परिकल्पना है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली बार भी थी, मोदी जी पिछली बार भी मुख्य प्रधानमंत्री थे और उनकी कैबिनेट थी, नहीं तो मनोज पांडे जी का आकार, अब तो कैबिनेट का आकार संवैधानिक एक ढांचा है, मनोज पांडे जी सारी कैबिनेट का आकार बनाना है। मनोज पांडे जी पिछली बात की, पिछले बार मोदी जी ने एक नारा दिया था मनोज पांडे जी और वादा विकास का किया था, और यूपीए 2 की सरकार में भ्रष्टाचार था जी। एक बात की तारीफ करनी होगी कि पूरा एनडीए की जो पहली सरकार चली मोदी जी के लीडरशिप में, उसमें भ्रष्टाचार का, मंत्रियों पर कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। एक राफेल का मामला जरूर आया, लेकिन वो अंततः जनता के बीच राहुल गांधी लेकर गए भी तो जनता ने उसे एक तरीके से स्वीकार नहीं किया। और घोटालों के मामले में बस एक ही घोटाले की बात हुई, राफेल की बात हुई। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछला जो 5 साल था मोदी जी का, उसमें भ्रष्टाचार, मंत्रियों के स्तर पर कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं आई, पीएमओ में कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं आई। और मंत्रिमंडल का जो आकार है, देखिए इसमें मोर आर लेस पुराने मंत्री भी हैं जो अनुभवी हैं, क्योंकि पिछला कार्यकाल था उसके अनुभव का लाभ मिला, जनता ने एक बड़ा वोट भी दिया, वोट का परसेंटेज भी बढ़ा, लगभग आधे से अधिक वोट, 51% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो ये साबित करता है कि लोगों का विश्वास बढ़ा है और लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी है, क्योंकि मत जितना बढ़ता है उतनी ही आशाएं, उतनी ही अपेक्षाएं बढ़ती हैं। तो इस हिसाब से पुराने अनुभवी लोगों के साथ साथ नए चेहरों को तरजीह दिया गया है, और राम राज्य एक संकल्पना है, स्वर्णिम युग एक संकल्पना है, उसका शायद प्रयास होगा। और एक साल बाद जब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी चुनौतियां, इस सरकार के पास बहुत सारी चुनौतियां होंगी, जैसे उन्होंने चुनाव के समय वादा किया 35A, आर्टिकल 35A, 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 तलाक है, और सबसे बड़ी समस्या जो देश के सामने आ रही है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या पर नियंत्रण भी आवश्यक है, चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही, चीन एक बड़ा अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में पैदा हुआ है, तो भारत को भी अपने आप को अर्थव्यवस्था के रूप में साबित करना होगा। नोटबंदी के क्या परिणाम है वो अलग प्रश्न है, चूंकि चुनाव हो चुका है, नोटबंदी को जनता ने स्वीकार कर लिया है, तो हम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे कि नोटबंदी अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था गति पकड़े ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी इस कार्यकाल में। मनेन्द्र तिवारी जी के पास चलते हैं। मनेन्द्र तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे भी वही है, हालांकि मनोज पांडे जी कह रहे हैं ये परिकल्पना है, स्वर्णिम युग एक परिकल्पना है, लेकिन जहां तक इतिहास का अध्ययन मैंने किया है, स्वर्णिम युग वो कहलाता है शायद कि जब पूरा आपका, पूरे देश में आपका राज हो और सब चीज सुव्यवस्थित तरीके से चल रही हो, शायद वो परिकल्पना की गई है। आपकी क्या राय, क्या भारतीय जनता पार्टी के ये जो 57 सहयोगी हैं ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को स्वर्णिम युग में पहुंचा पाएंगे?
देखिए मनोज जी की बात तो बिल्कुल सही है कि जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं स्वर्णिम युग है राम राज्य है ये सब सापेक्षिक होते हैं, लेकिन अगर हम माने कि जैसे पहली परफॉर्मेंस रही जिसकी चर्चा इन्होंने करी मनोज जी ने सापेक्षित तो क्या मतलब है आपका? पास अब और सारे मुद्दे आएंगे, सुन लीजिए इसको देखते हुए अगर हम देखें कि मनेंद्र तिवारी जी क्या ये स्वर्णिम युग आप भी यही करें कि स्वर्णिम युग एक परिकल्पना है? जी बताओ जी रामराज्य एक परिकल्पना मात्र है? परिकल्पना इसलिए क्योंकि मुद्दे बदलते जाते हैं समय के साथ। मैं बात आज की डेट में अगर हमने आर्थिक मैं जो आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ सैद्धांतिक रूप से होती है क्योंकि कई मैं जो आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ जी आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कई सारे मुद्दे तत्कालिक बात यहाँ मुद्दे की नहीं है जी मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ बात मैं स्वर्णिम युग की कर रहा हूँ जब पूरे देश में आपका शासन हो और पूरे देश में आपके मन माफिक चीजें चले क्या ये स्वर्णिम युग नहीं है? अभी जैसे मनोज जी ने कहा कि जब तक राज्यसभा में बहुमत नहीं होता है मैं आपसे जो समझने की कोशिश कर रहा प्रावधान हमारी सरकार नहीं कर सकती भाई मनेंद्र जी इस पे देखना होगा मनेंद्र तिवारी जी संरचना है मनेंद्र तिवारी जी मैं आपसे ये समझने मैं की कोशिश समझ रहा हूँ आप एक मिनट मुझे समय मुझे दीजिए जी मैं इसलिए जी आप मुद्दों की बात छोड़ दीजिए पहले इस पर बात कर लेते हैं कोई भी चीज होती है देखिए हम लोग के दो पक्ष हैं एक सैद्धांतिक एक व्यवहारिक जी जी भाई आप ये बता दीजिए चंद्रगुप्त मौर्य का आज आपके सामने कुछ तत्कालिक मुद्दे हैं नहीं चंद्रगुप्त प्राकृतिक कारणों से और कारणों से मनेंद्र तिवारी जी सुन लीजिए वो मुद्दे अलग बात बदल जाए मुद्दे अलग बात है सरकार के पास ऐसा नहीं होता है वो आ रहा हूँ आपके पास तो मनेंद्र तिवारी जी मेरा सीधा कहना जो मैंने पढ़ा जहाँ तक मेरा अल्प ज्ञान है इसके लिए जो मंत्रिमंडल बना है जो मैं आपसे परफॉर्मर्स है जिन्होंने काम किया है जी मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ जहां तक मैंने अध्ययन किया थोड़ा बहुत मेरा ज्ञान बड़ा अल्प है लेकिन मैं आपसे जी चंद्रगुप्त मौर्य का स्वर्णिम युग था वो स्वर्णिम काल था कि जब चक्रवर्ती महाराज जो बने थे क्या वो स्वर्णिम युग नहीं था? क्या उसी प्रकार से भाजपा का स्वर्णिम युग होगा? मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए स्वर्णिम युग देखिए बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं लेकिन जब स्वर्णिम युग की बात होती है तो हमने उनके कुछ कालखंड बाद बात की जब कॉम्परेटिव एनालिसिस होगा जब कालखंडों का एनालिसिस होगा तब हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। आप इसकी तुलना किससे करेंगे? पिछले कार्यकाल से करेंगे या किसी और सरकार के कार्यकाल से करेंगे? पिछली सरकार के कार्यकाल में जैसा मनोज जी ने कहा कि भ्रष्टाचार कम था इस बार और सारे मुद्दे हैं जो विकास में और सारे आएंगे। हमें देखना पड़ेगा कि जो कैबिनेट है कैबिनेट के थ्रू इन्होंने क्या दिए हैं सामाजिक ढांचे में क्या संदेश दिया है महिलाओं की भागीदारी कितनी हुई है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को कैसे भागीदारी दी है समाज में जो परफॉर्म करने वाले उनको कैसी भागीदारी दी है और इसके साथ साथ अनुशासन के स्तर पर अपने सहयोगियों को क्या संदेश दिया है आने वाले विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते जब तक वो चुनाव जीतेंगे नहीं राज्यसभा में बहुमत आएगा नहीं स्वर्णिम युग आएगा नहीं। ये मैं कह रहा हूँ स्वर्णिम युग होता है ना इस बात की है कि आज की देश में इससे पहले हमारे यहाँ भ्रष्टाचार मुद्दा था आज विदेश में ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हो रहे हैं पर्यावरण एक मुद्दा बन रहा है बिल्कुल बहुत सारे अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं तो उनके यहाँ बाकी ट्रेड मुद्दा बन रहा है आने वाले समय में एक दशक बाद जब हम 5 साल बाद चुनाव में पहुंचेंगे तो हो सकता है कुछ मुद्दे बदल गए हों बिल्कुल ठीक तब उस तुलना में ये नहीं आएगा इसलिए एक तुलनात्मक परिकल्पना है जो कि समाज के साथ साथ बदलती जाती है लेकिन पिछली सरकार की रेटिंग जनता ने कर दी है इस सरकार की रेटिंग जिन मुद्दों पे होगी उसके लिए एक ऐसा कैबिनेट इन्होंने बनाया है जैसे वित्त मंत्री को इन्होंने काफी सोच समझ के बनाया है मानव संसाधन विकास मंत्री हैं या जो पुराने परफॉर्मर्स हैं उनके वही जैसे भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उनके वही विभाग रखे गए हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उनको बाहर कर दिया गया सहयोगियों ने जिन्होंने चुनाव के पहले थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश की उनको शांत कर दिया गया इसके साथ साथ जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे वो दल उनको साफ संदेश दे दिया गया है कि हम इसमें नहीं उलझना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं एक सीट लेनी हो तो ठीक है सांकेतिक भागीदारी करिए नहीं तो हम अपना काम करेंगे और निश्चित है ये जो दौर रहेगा इसमें मंत्रियों के ऊपर एक नकेल रहेगी और बहुत अच्छा काम होगा लेकिन कई प्राकृतिक कारण भी होते हैं काम करने के
हमारी गीता में श्लोक है जिसमें हमारे यहाँ बताया है, और अगर आप सामाजिक क्रिया के रूप में देखें आखिर में एक दैव आ जाता है, कहीं कोई प्राकृतिक घटना घट गई, सब लोग कश्मीर में मोदी को याद करते हैं। हाँ। मोदी जी ने कश्मीर में ये नहीं किया, किसी ने 2014 की बाढ़ नहीं बताई कि 2014 की बाढ़ में मोदी जी ने क्या क्या किया था। मैं कश्मीर में था, तमाम रसद पहुंच रही थी, देने वाला नहीं था, मशीनरी फेल थी, ठीक है। मनन तिवारी मोदी जी ने एक एक आदमी को वहां से निकाल के लाए, पूरे चुनाव में कोई मुश्किल चर्चा नहीं हुई। मनन तिवारी, कई बार होता है कि समय के साथ मुद्दे पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, मुद्दे पीछे चले जाते हैं, आप मुद्दे आगे आ नहीं पाते, ठीक है, ठीक है। इसलिए एक परिकल्पना जो है, परिकल्पना रूप में देखें कि उस समय के मुद्दों के हिसाब से कैसा फिट होगा 5 साल। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए जरा, मैं कह रहा हूँ कि जो जब मोदी जी 2014 में जब बाढ़ आई थी जम्मू कश्मीर में, और जब मोदी जी वहां पहुंचे थे, उस वो तस्वीरें पूरे देश के सारे चैनलों ने दिखाई थी जी। आप कह रहे हैं किसी ने दिखाई नहीं, ये मत कहिए, सारे टीवी चैनलों ने, सारे अखबारों ने पन्ने रंग दिए थे उन चित्रों को दिखाने में कि मोदी जी कहीं चर्चा नहीं हुई कि कश्मीर पे कितना खर्चा हुआ। हाँ। कितनी कितनी अनवरत लगी, फ्री में जिस जो आदमी पैर में हवाई चप्पल पहने था उसको हवाई जहाज से फ्री एयरलिफ्ट करा के लाया गया, पूरा मतलब एक बोरा लेके आदमी हवाई जहाज में बैठ के पूरी एयरलाइन फ्री कर दी गई। नहीं, वो चुनाव में तो इनकी चर्चा नहीं हुई ना, वो उन्नीस के चुनाव में आप हमें किसी अखबार में दिखा दीजिए, किसी चैनल पर चर्चा बता दीजिए, भारतीय जनता चुनाव के बीच में चर्चा हुई मोदी जी ने क्या किया। मनीष तिवारी जी क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए क्या, उसमें कहा थी मनीष तिवारी, इसके चुनाव की किसी भी चर्चा में आप किसी चैनल किसी अखबार में आप ये बता दीजिए हमें। मनीष तिवारी जी, मुझे लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन जाना चाहिए, आप ज्यादा अच्छी तरीके से प्रो कर पाएंगे, शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इन बातों को मीडिया चैनल तक मैं जहाँ तो वही खुश हूँ। चलिए, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, गलत काम करे उसको करना ठीक उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। रतिमान, अगर ये वो मुद्दा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, मेरा काम ध्यान दिलाना है भाई, ये काम भारतीय जनता पार्टी का लोगों का है ना कि वो मुद्दे को बाहर लाए, बताएं कि हमने ये अच्छे काम किए, जैसे उज्ज्वला योजना के बारे में बताया, जैसे आयुष्मान योजना के बारे में बताया, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो बताए उसने क्या क्या अच्छे काम किए, है ना। चलिए रतिमान त्रिपाठी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी, क्या किस बारे में क्या प्रतिक्रिया? ये जो मेरा जो सवाल है, ये 57 सेना बनाई है मोदी जी ने क्या? जी, ये जो मोदी जी ने 57 की सेना बनाई है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को और आगे ले जाएगी पूरे देश? जी प्रदीप जी, पहले तो मुझे इस मुझे लगता है कि ये सेना शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ये सेना शब्द का इस्तेमाल मुझे ठीक नहीं लग रहा, उचित नहीं लग रहा। अच्छा, तो आप वो आपका शब्द है, आप अपने चैनल में इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं नहीं अपनी जगह दुरुस्त होगा, आप बता दीजिए। मोदी जी ने जो 57 लोगों का मंत्रिमंडल बनाया है, आप एक अच्छा शब्द बता दीजिए इस्तेमाल करने। 57 की एकता उनके जो नहीं नहीं ठीक है, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं, मुझे इस्तेमाल। अरे भाई, मोदी जी सेना नायक है, उनकी सारी तो सेना है, 57 की सेना लोगों का मंत्रिमंडल बनाया है, उसमें सभी अनुभवी नेता है। हाँ 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 बिल्कुल। सेना अलग मोर्चे पर होती है, सेना का काम सेना चलाना नहीं होता। रतिभा त्रिपाठी जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, सेना एक अलग विषय है और सरकार अलग विषय है। रतिभा त्रिपाठी जी, आप तो बहुत मैं आपकी प्रतीकात्मक भाषा को समझ रहा हूँ, ठीक है, चलिए जी बताइए। मैं आपकी प्रतीकात्मक भाषा को समझ रहा हूँ, आप जिस प्रतीकात्मक भाषा के, खैर वो आगे भी से, ठीक है। तो जो मोदी जी, देखिए मोदी जी को इस समय दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, पहले तो उन्हें तो एक मोदी को मोदी से ही लड़ना पड़ रहा है, अच्छा। पिछले 5 साल के मोदी को अगले 5 साल के मोदी से लड़ना पड़ रहा है, उनके सामने जो पिछले 5 साल के काम अधूरे रह गए थे अभी वो काम पूरे करने बाकी हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में वही सदस्य हैं जो 5 साल पहले थे, मसलन हरदीप सिंह पुरी हैं, इन्हें 100 स्मार्ट सिटी का जिम्मा दिया गया था, अभी वो 100 स्मार्ट सिटी बनने हैं, वो रेल मंत्री अभी भी मौजूद हैं पीयूष गोयल, जिन्हें स्पीड रेल बुलेट ट्रेन चलानी बनानी है, देनी है देश को, बुलेट ट्रेन से देनी है, ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। बेरोजगारी दूर करने के लिए जो 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, वो काम भी पूरा करना है, जो रह गया शेष रोजगार वो भी पूरा करना है 5 सालों में, बिल्कुल ठीक बात।
एक सरकार को 60 महीने का समय कम होता है 60 साल के मुकाबले जी, तो आप अगले 60 महीने और मिल गए हैं तो उस सरकार को जो जिनको 60 महीने कम थे उस सरकार को 60 महीने और जनता ने दिया कि नहीं आपको वाकई ये कम थे अब और लीजिए 60 महीने और इतना काम करिए कि फिर आगे किसी को मौका ही ना मिले। हाँ, 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी ही रहे। इस सरकार को जी काला धन भी विदेश से लाना है जिसका वादा किया गया था। इस सरकार को काला धन भी विदेश से लाना है जो वादा किया गया था। उन काली करतूतों वालों को भी लाना है जो विदेश में जाके बैठ गए हैं। वाड्रा को जेल भी जाना है। काम भी करना है सरकार को। सरकार के जिम्मे बहुत काम है। नए वायदे तो अपनी जगह हैं, पुराने वायदे भी पूरे करने हैं। बिल्कुल ठीक प्रदीप जी, नए वायदे अपनी जगह हैं, बिल्कुल पुराने वायदे भी पूरे करने हैं। सरकार के हिस्से में बहुत जिम्मेदारी है, बिल्कुल, और इस सरकार को पूरा करना है। और मुझे मेरा ये विश्वास है, मेरा मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी बहुत बहुत ही मनस्वी, तपस्वी और बहुत ही साधन संपन्न और बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति हैं। वो निश्चित रूप से अपने सरकार के जो पिछले वादे रह गए हैं 100 स्मार्ट सिटी बनाने का जी, 9 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, 10 करोड़ जी, काला धन विदेश से लाने का, वो सारे वादे इन अगले 60 महीनों में जरूर पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जो पहले दिन पहले बार 100 दिनों का टास्क दिया गया है मंत्रियों को, इन 100 दिनों में उस दिशा में पहला काम होगा जो पिछले वादे अधूरे रह गए थे, ये आपने बहुत समय अभाव में नहीं पूरे हो पाए थे। बिल्कुल ठीक है, इन अगले 100 दिनों में उन वादे पूरे करने की दिशा में प्रभावी कदम होगा। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत शानदार बात कही आपने कि नए वादे के साथ साथ में पुराने वादों को भी पूरा करना होगा, ये सरकार का प्रथम लक्ष्य होगा। हम सीधा चंद्रमोहन चौबे जी के पास में चलेंगे। चंद्रमोहन चौबे जी, मैं तो बात कर रहा था स्वर्णिम युग की कि शायद अब ये सेना 57 की जो सेना है वो आगे ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी को, बाकी जो राज्य बचे हैं वहां भी विजय पताका फहराएगी। लेकिन रत्नवान त्रिपाठी जी ने बड़ी मौजू बात कह दी। रत्नवान त्रिपाठी जी कह रहे हैं मोदी जी का अपने आप से ही मुकाबला है और पुराने वादे भी पूरे करने होंगे। काला धन वापस लाना है, 10 करोड़ रोजगार देना है, धारा 370 हटाना है, सिविल जो यूनिफॉर्म कोड है उस पर काम करना है, और ट्रिपल तलाक जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर आपको काम करना है। क्या लगता है कि पहले ये काम पूरे करेंगे या अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे? चंद्रमोहन चौबे जी, जी जी, नहीं देखिए बिल्कुल सही, किसी भी एक अच्छे परफॉर्मर का जो है उसको अपने ही कार्य जगह से, मान लीजिए उसको 10-8 नंबर मिले हैं तो अगली बार जब उस पेपर से सोचता है कि वो अधिक ही नंबर लाए या उसको अधिक नंबर लाना ही पड़ता है, तो उसी तरह मान लीजिए सरकार का जो गठन हुआ चाहे पिछली बार अगर आप देखेंगे, देखिए स्वर्णिम काल की जो परिकल्पना की जाती है तो स्वर्णिम काल 6 का तात्पर्य ये हुआ कि उस कालखंड में जी चाहे जिस राजवंश का हो, चाहे प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान में लोकतंत्र है तो उसको प्रधानमंत्री के तौर पर ही देखा जाएगा, बिल्कुल, तो उसमें कौन कौन से ऐसे काम हुए हैं जो उस देश का या उस राष्ट्र को जो है एक इतिहास बनाता हो, बिल्कुल, तो अगर आप देखेंगे तो इस सरकार ने जो पहले वाली 5 पंचवर्षीय चली है उसमें स्वर्णिम युग बनाने के लिए मोदी जी ने भारत को स्वर्णिम युग बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, रात दिन वो काम करते रहे। चाहे अगर आप देखेंगे मन चौबे जी जो है स्वर्णिम युग में क्या क्या वहां का सांस्कृतिक चौबे जी चंद्रमोहन जी रतिभान त्रिपाठी जी ने जो पिछले के बैकलॉग गिना है जरा उन पर भी नजर डाल लीजिए। 370 अभी बनी नहीं पूरी, सिविल धारा 370 हटी नहीं, 10 करोड़ रोजगार मिले नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रत्नवान त्रिपाठी जी ने बताया कि अभी ये वादे भी पूरे करने होंगे आपको सारे। नहीं बिल्कुल, अभी हम आएंगे उस पे आएंगे क्योंकि बहुत देर से इतना हुआ, हम पहली पारी में बस दो चार शब्द ही बोल पाए थे, तो अब दूसरी बार में हमको थोड़ा सा समय दीजिएगा। ठीक है, तो देश में क्या होना चाहिए, देश का जो है उसकी सेनाएं सशक्त उसमें नजर आनी चाहिए, वहां का जो है सांस्कृतिक जो है उसका जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वहां के किसानों के हित के लिए, वहां की जनता के हित के लिए, वहां के सड़क के लिए, वहां के स्वास्थ्य के लिए, वहां के शिक्षा के लिए जो आगे बढ़ाने का काम होता है वो आता है। तो अगर आप इन सब में अगर आप देखेंगे, आज उसमें रोजगार भी है, उसमें रोजगार भी है, अगर आप देखेंगे तो यदि आजादी के बाद लोगों के घरों में
46% मात्र अगर शौचालय थे, जो ये मूलभूत समस्या है, ये बात सच ग्रामीण महिलाओं के, इस बात पे कोई शक बेटियों के लिए, इस बात पे कोई शक नहीं है, दिनों में या रात भी बिरादरी रात होत में कहीं, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज महिलाएं कम से कम उनको सड़क किनारे नहीं जाना पड़ता है, जो जी उनको सड़क किनारे नहीं जाना पड़ता है, उनको शर्मिंदगी से दो चार नहीं होना पड़ता है, ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी। उसके बाद उसे चाहिए कि 70 सालों से जो महिलाएं 7 करोड़ परिवारों को जो गैस कनेक्शन मिला है, वो धुएं में जिस प्रकार से वो धुएं से जीवन उनका था, हाँ। उसमें भी सुधार करने का प्रयास किया गया, बिल्कुल ठीक। आप अगर देखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो विश्व की सबसे बड़ी परियोजना 10 करोड़ परिवार को, आप कहिए भारत की आधी करोड़ से अधिक लोगों को अगर स्वास्थ्य के रूप में जोड़ा गया है, आपको पता है जब अंत ठीक है चौबे जी, ये तो बात सही, पूरी बात अगर हम चाहें सुन लीजिए, अब इतिहास बताने का समय नहीं है यहाँ पर ना चौबे जी, बाकी लोग भी हैं, सबको चर्चा में शामिल करना है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही कारण है जो आपकी योजनाएं थी वो जमीन पर पहुंची और जिसका फायदा लोगों को मिला और उसका रिवार्ड आपको मिला, जनता ने आपको 300 के पार पहुंचाया, अब आगे क्या सवाल ये है ना, पीछे का तो हो गया, पीछे बीतता ही बीता, इसी में जी प्रदीप जी जी इसी में अगर आप अब देखिए वाय रूप में दुनिया के सामने एक सशक्त भारत के रूप में, हाँ, यहाँ की योग जो है, हाँ, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत पूरे विश्व में गई, बिल्कुल, आज यहाँ की धाक जो चाहे वो बर्मा में घुस के मारने का हो, हाँ, चाहे पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारने का, इससे भी भारत का एक सशक्त राष्ट्र के रूप में जो है उभरा, तभी तो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दिया ना आपको लोगों ने, 303 का आंकड़ा ऐसा ही नहीं दे दिया, इतिहास नहीं बनाया है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की 2 बार लगातार बहुमत की सरकार बनी, इतिहास बनाया, आप ये भी याद रखिए, देश की जनता बड़ी होशियार है, उसको सब मालूम है। मनेन जी के पास चलते हैं, मनेन तिवारी जी, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि जो अमित शाह हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कोई दूसरे होंगे, कौन होंगे, नड्डा होंगे, कौन होंगे मुझे नहीं पता है अभी, लेकिन आपको लगता है कि अमित शाह ने जो संगठन के रूप में काम किया वो क्या कोई दूसरा अध्यक्ष उतनी अच्छी तरीके से कर पाएगा? देखिए सोचने वाली बात तो है कि आखिर संगठन में कौन जाएगा, लेकिन अभी तक जो फैसले होंगे मेरे ख्याल से वो सामूहिक होंगे, उसमें वो भी शामिल होंगे, और क्योंकि कुछ संतुलन बनाने के लिए किसी ना किसी को ये लाएंगे, तो पहले कहा जाता था कि नेहरू जी के बाद कौन होगा, कि नेहरू जी के बाद क्या होगा भारत का, ये नेहरू जी के बाद भी बहुत सारे प्रधानमंत्री आ गए, तो ऐसा नहीं है, ये संगठन ऐसी चीज है कि भाई मंत्री होने के साथ साथ संगठन में इनका साथ तो रहेगा ही, और भाजपा की एक कमेटी होगी जहां पर सब लोगों का विचार विमर्श होगा, क्योंकि संगठन को तो इन्होंने हर समय जिम्मेदार किया, जैसे उदाहरण के लिए आप केरल से मंत्रिमंडल में अभी तक नाम चल रहा था के राज शेखरन का या एक अंथम का, लेकिन वहां पर परफॉर्मेंस ना होने के कारण इन्होंने के मुरलीधरन को मंत्री बनाया, तो इस मंत्रिमंडल के निर्माण से भी इन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि राज्य के संगठन में जहां पे रिजल्ट रहेगा तो ये अनुशासन रहेगा तो संगठन चलेगा, बिल्कुल। और गृह मंत्री के रूप में वो आए हैं, बहुत सारे मंत्री आए हैं, जैसा कि इससे पहले आप चर्चा कर रहे थे या रतिभान जी ने कहा कि जो पुराने वादे थे उनको पूरा करना है, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब शपथ ग्रहण के बाद मोदी जी ने कहा था तो उन्होंने कुछ चीजों के लिए 2021 का लक्ष्य रखा था, वो नहीं याद आ रही है, 22 का पहले भाषण में 2021 का लक्ष्य था, 2022 का ये मैंने कहा था कि ये 2021 का लक्ष्य क्यों कर रहे हैं, 2022 का लक्ष्य रखा था, योजनाएं ऐसी होती हैं जो अल्पकालीन होती हैं कुछ दीर्घकालीन होती हैं, मनीष तिवारी जी 2022 का लक्ष्य रखा था, हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर रोजगार तिवारी जी के जनन में अगर ना बढ़ाया गया सुन लीजिए तो फिर दिक्कत होगी, 2022 का लक्ष्य रखा था, 2022 में सबका अपना पक्का घर होगा ये उन्होंने कहा था कि सबकी बिजली पहुंच गई है, सबका पक्का घर होगा, सबके छत मतलब सब छत होगी, उन्होंने कहा 2022 तक ये करके दिखाएंगे और सबको पीने का शुद्ध पानी मिल जाएगा, ये सारे वादे किए हैं 2022 तक। मनोज पांडे जी के पास में चलते हैं, मनोज पांडे जी आपसे वही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी सेना तैयार की है, हालांकि रतिवान त्रिपाठी जी उस पर आपत्ति जता रहे हैं कि ये सेना नहीं है, खैर लेकिन हमारे हिसाब से ये मोदी जी की सेना है, 57 उनके सैन्य अधिकारी हैं, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो बाकी के राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम नहीं फहरा पाई है,
क्या ये सेना अब उन राज्यों को जीतने की कोशिश करेगी जिसमें सबसे पहला नाम आता है वेस्ट बंगाल का? वेस्ट बंगाल को क्या जीतने का प्रयास करेंगे? मनोज पांडे जी, चलिए रतिभान, मनोज पांडे जी अगर आपको, रतिभान त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। रतिभान, चलिए रतिभान त्रिपाठी जी अगर आपको आवाज मिल रही हो जी बोलिए। तो आप, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि ये जो मोदी के मंत्री हैं, क्या अब तमिलनाडु हो, क्योंकि तमिलनाडु में अच्छा नहीं कर पाए, केरल में अच्छा नहीं कर पाए, कर्नाटक में सरकार नहीं है, वेस्ट बंगाल में सरकार बनाने की कवायद है, क्या लगता है कि अब ये सारे राज्य भी भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी शुरुआत आज ही से हो चुकी है प्रदीप जी। जी, मेरी एक पक्की इन्फॉर्मेशन है कि आज ही आईटी सेल के 30 लोगों की एक टीम कोलकाता भेज दी गई, जो दिल्ली में बैठकर काम करती थी, आज ही कोलकाता भेज दी गई है, और वो टीम वहां अपना के संगठन को मजबूती देने के लिए गांव-गांव तक पहुंचने के लिए, गांव-गांव से सूचना इकट्ठी करने के लिए और गांव का बूथ लेवल पर काम करने के लिए वो टीम वहां पहुंच गई है जी। और पश्चिम बंगाल को जीतने की कोशिश होगी। ममता बनर्जी की छटपटाहट वही नहीं है, उन्हें परेशानी है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया है, जहां 2 सीटें थी वहां 18 सीट आ गए, बिल्कुल। तो ये उनका चमत्कार है, ये मोदी जी का निजी प्रभाव है कार्यकर्ताओं के सहयोग से जी। तो ये है, तो केरल में और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब देशव्यापी पार्टी हो गई है तो स्वाभाविक रूप से वो इन राज्यों में भी अपना संगठन मजबूत करेगी जी, जिससे कि वो एक सफल और एक अच्छे अच्छी पार्टी के रूप में और मोदी जी एक बेहतर और बेहतर से बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को साबित कर पाए। और मुझे लगता है कि जो अगले जो 100 दिनों का काम है मंत्रियों का, वो कुछ नए काम और कुछ पिछले कामों को पूरा करने का एक अभियान जैसा होगा, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि आप लोग 100 दिन का टारगेट बनाकर के ले आइए, तो वो उनका एक प्रोबेशन पीरियड जैसा होगा कि अगर वो इसमें सफल होंगे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, ये भी हो सकता है कि लिस्ट कट ऑफ हो जाए, नई टीम खड़ी हो जाए। नई टीम खड़ी, बिल्कुल, ये की प्रयोग धर्मी किस्म के प्रधानमंत्री लगते हैं। उन्होंने जिसको देखा कि पिछले उसमें उन्होंने खर्च किया, स्मृति ईरानी वहाँ अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय में, विवाद खड़े हुए थे, आप ये देखिए उन्होंने उनको किनारे किया और नया मंत्री बना दिया। नहीं, आप रतिभान जी, वो निश्चित रूप से काम चाहते हैं। नहीं, रतिभान जी, स्वाभाविक है, आप ये देखिए, अच्छे लोगों को लाने की कोशिश करें। आप एक बात ये देखिए कि जो एस जयशंकर पिछली बार विदेश मंत्री के विदेश सचिव हुआ करते थे और आज वो खुद विदेश मंत्री हो गए हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि परफॉर्मेंस का क्या आलम है। जो परफॉर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा। चलिए पांडे जी के पास चलते हैं। पांडे जी, अगर आपको आवाज नहीं, वही हरदीप सिंह पुरी को देखिए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है वो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक करें आप, कि उनको भी डिलीवर करना पड़ेगा, डिलीवरी देना पड़ेगा। जो मैं केवल एस जयशंकर ही नहीं, जी केवल एस जयशंकर ही नहीं, हरदीप सिंह पुरी भी इसी वजह से हारने, अमृतसर से चुनाव हार गए फिर भी वो मंत्री बनाए गए हैं। बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि हरदीप सिंह पुरी का काम अच्छा था। हाँ। शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री के रूप, और 2022 तक सबको पक्का मकान देना है, और ऐसे ही आईएफएस वो भी थे, हैं एस जयशंकर जी। जी जी, चलिए पांडे जी के पास, मनोज पांडे जी के पास चलते हैं। मनोज पांडे जी, आपसे भी मेरा सवाल वही है कि क्या जो बाकी बचे राज्य हैं, कर्नाटक, जैसे कर्नाटक में सरकार नहीं बनी, या आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, साउथ में अगर हम जाएं तब, और केरल और तमिलनाडु सब की बात करें, वेस्ट बंगाल में तो प्रक्रिया ये शुरू हो चुकी है, क्या अब भारतीय जनता पार्टी साउथ में भी अपने यज्ञ के घोड़े को आगे बढ़ाएगी? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट कर ले कि कोई भी राजनीतिक दल हमेशा ये चाहता है कि उसका विस्तार देश में, पूरे देश में और देश के हर राज्य में हो। भारतीय जनता पार्टी उसका अपवाद नहीं है। हाँ, हाँ। और चूंकि कभी एक दौर था जब कांग्रेस पूरे देश में हुआ करती थी, धीरे धीरे कांग्रेस का दौर समाप्त हुआ, क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ और भारतीय जनता पार्टी का भी उद्भव हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी
देश में उसकी सरकार कई राज्यों में है, हालांकि कुछ राज्य उसके हाथ से छिन गए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान चले गए, लेकिन अभी कई राज्यों में चुनाव होने बाकी है, दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है, तो जिन राज्यों में चुनाव बाकी है, जहां चुनाव होना है, स्वाभाविक रूप से बंगाल कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था, जो अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहां पर है, और जिस तरीके के रिजल्ट और जिस तरीके की रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुफीद जगह इस समय और अपने आप को बढ़ाने के लिए दिल्ली, और दिल्ली के बाद वेस्ट बंगाल है, तो हमें लगता है। और अगर आप चुनाव का परिणाम देखें तो पूरे हिंदी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से बहुमत नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं, एक बड़े मेजॉरिटी के साथ आ चुकी है, लेकिन कोई भी पार्टी जब अपना विस्तार सोचती है तो जब एक हिस्से में हो चुका है तो निश्चित रूप से दूसरे हिस्से में जाना चाहेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ये प्रयास कर रही होगी कि उसे बंगाल में, उसे दिल्ली में, उसे उन राज्यों में जहां अभी चुनाव होने हैं, कुछ राज्यों में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर आप वहां का रिजल्ट देखें तो लोकसभा में या देश की सरकार के लिए लोगों ने वहां मोदी जी को पहली पसंद माना है, और राज्य सरकारों के लिए वहां के क्षेत्रीय दल को माना है, उन्होंने माना है कि अच्छा काम करेंगे। तो एक संकेत ये भी है कि जैसे मोदी जी का परफॉर्मेंस है, मोदी जी राज्यों में भी जनता को ये भरोसा देने का प्रयास करेंगे जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, या ये सरकार चूंकि एक पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार के माध्यम से राज्यों में ये एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि यदि हमारी सरकार आती है तो निश्चित रूप से जैसे देश में विकास की बात हम करते हैं और अच्छे दिन आने की बात करते हैं, 2022 का एक लक्ष्य तय किए हुए हैं, तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में, और डबल इंजन की जब सरकार हो जाएगी तो विकास तेजी से बढ़ेगा, इन चीजों को निश्चित रूप से वो प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे और संगठन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए चौबे जी के पास चलते हैं, चंद्रमोहन चौबे जी, ये सब ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार जो पहले 12 मंत्री हुआ करते थे उनकी संख्या कम हो गई है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि महेंद्रनाथ पांडे जी अब कैबिनेट मंत्री हो गए हैं, कौशल विकास मंत्री हो गए हैं, अध्यक्ष कौन होगा, कैसे उत्तर प्रदेश का मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए अध्यक्ष कौन, जी देखिए सबसे पहली बात तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है एक विचारधारा से निकली हुई पार्टी है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य है, पहले अंत्योदय था, अंत्योदय का ही दूसरा वही रूप है, सबका साथ सबका विकास, और अब सबका विश्वास जीतने का काम। और रही बात आपने कहा अध्यक्ष की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें जो है कौन अध्यक्ष होगा कौन नहीं होगा ये तय जो है शीर्ष नेतृत्व ही करता है, लेकिन इतना आश्वस्त आप रहिए कि जो भी होगा वो एक योग्य अध्यक्ष होगा, जो कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय होगा, जो पार्टी की जो है विचारधारा को कार्यकर्ताओं से लेकर और लोगों के बीच तक पहुंचाने में सक्षम होगा, वही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा। ठीक है, चलिए जरा मनन तिवारी जी के, मनन तिवारी जी, क्या जो जैसा अभी बता रहे थे पांडे जी कि देश में तो मोदी को चुन लिया है, लेकिन राज्य सरकारों को समझाना पड़ेगा कि डबल इंजन की सरकार जब तक नहीं होगी पूरा विकास नहीं हो पाएगा, जिस तरह से आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में छत्रप को वहां पर वहां की कुर्सी मिली, क्या लगता है कि ये समझाना उतना आसान नहीं होगा? देखिए ये सब दीर्घकालीन चीजें हैं, और जैसे ही आप देखिए कि जगन रेड्डी जिस हिसाब से प्रधानमंत्री से अभी भी उम्मीदें कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं राज्य का विकास तभी होगा जब केंद्र से हमें सहायता पर्याप्त रूप से मिलेगी। बिल्कुल, और इन क्षेत्रों में जैसे उड़ीसा की आप बात करें, तो अभी उड़ीसा में जो अभी हाल में चक्रवात आया था, तो उससे निपटने में नवीन पटनायक ने जितनी, अगर नवीन पटनायक की योजनाओं की आप बात करें तो वहां पे अन्न की योजना है जिसके कारण उनको मिलता है कि जो कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, सबको अन्न मिलेंगे। आयुष भारत को उड़ीसा ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके पास पहले से अपनी एक मेडिकल योजना थी। अरे मोदी जी ने तो जाके वहां पर हेल्प किया था ना, एक जमाने में काला हांडी जैसा क्षेत्र उड़ीसा में था जहां भूख से लोग मरते थे, तो मोदी जी ने जाकर काम है, इसकी वजह से वो सरकारें जीत रही हैं, और इसीलिए नवीन पटनायक हो या जगन रेड्डी हो ये चाहेंगे कि केंद्र से हमारे संबंध अच्छे रहें, और इसका ये प्रयास करते दिख भी रहे हैं।
और जिस हिसाब से इन्होंने अन्ना द्रमुक का गठबंधन था दक्षिण भारत में, हालांकि उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन उसको इसीलिए केंद्र के साथ में थी कि हमें सपोर्ट मिलेगा। और अगर बात करें दक्षिण भारत के राज्यों में, केरल की बात आप करें तो केरल में जिस तरह का विरोध है, तो कई सारी केंद्रीय परियोजनाओं पर न केंद्र की परियोजनाएं पूरी हो पाती है, न राज्य की पूरी हो पाती है। तो ये कोऑर्डिनेशन तो बनना ही चाहिए। ये बनने के बाद जब दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो काम करना आसान हो जाता है। लखनऊ में एक रेलवे का पुल था जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था फैजाबाद रोड जाते समय, अब केंद्र में भी सरकार आई तो रक्षा मंत्रालय से भी अनुमति मिल गई, रेलवे से भी मिल गई, और तुरंत वो लंबी 6 लेन सड़क बन गई जो कि 15 साल से खड़ी हुई थी। तो कई सारे मुद्दे हैं, जब दोनों जगह सरकारें हों तो वो सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन कई जगह की डेमोग्राफिक संरचना के कारण भी दिक्कत होती है, जैसे केरल में भाजपा ने बहुत अच्छा 20% वोट लाई, लेकिन UDF बाजी मार ले गया क्योंकि वहां की जनसंख्या में 40% से अधिक का हिस्सा जो था UDF समर्थक संप्रदायों का। सवाल सुन लीजिए, तो वहां पे धीरे धीरे अब लोग आगे आना शुरू हुए हैं, उन राज्यों में करेंगे, लेकिन अचानक ही हम करिश्मे की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्वर्णिम युग आएगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, वहां पर मोदी जी भी गए थे, 1,000 करोड़ की सहायता भी किया था उड़ीसा में, आप ये बताना भूल गए। बिल्कुल, आप स्वर्णिम युग कहिए या कहिए कि एक होगा, मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि तो समय के नहीं, बिल्कुल आपने कहा समय के सापेक्ष हमें देखना होगा। जैसे आज की डेट में हमारे पास जो मुद्दे आ रहे हैं, हम ज्यादातर बेरोजगारी है, किसानों से संबंधित हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में, ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण बहुत बड़ा मुद्दा था और आज खेती में जितनी मराठवाड़ा में या देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो मानसून की बेवफाई से कर रहे हैं। तो जितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जितने पर्यावरण संबंधी चीजें बढ़ेंगी, तो इन जो किसानों की समस्याएं वो बढ़ती जाएंगी। तो आने वाले समय में हो सकता मुद्दा पर्यावरण हो जाए। क्या कभी किसी ने आज सोचा था 15 साल पहले की टॉयलेट के ऊपर आप बात कर पाएंगे, पानी की क्षमता के ऊपर बात कर पाएंगे, ये एक मुद्दा बनेगा। लेकिन आज ये मुद्दा बन गया। हो सकता आने वाले समय में जैसे जनसंख्या के ऊपर, जैसे सबसे पहले मनोज पांडे जी ने कहा था अगर हमें गरीबी कम करनी है, बेरोजगारी कम करनी है, तो एक जनसंख्या नीति हमें बनानी पड़ेगी। ठीक बात है, बिल्कुल। सामाजिक रूप में सबको मिलकर बैठ के देखना पड़ेगा कि आखिर ये समस्या क्या है। कश्मीर की समस्या में अगर आज जनसंख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन धारा 370 के कारण बड़ा मुश्किल है वहां पे। अगर यहाँ का आदमी बढ़ेगा, कंपोजिशन हटेगा। चीन ने जब ये नीति अपनाई अपने आप। मनोज तिवारी जी, हम सीधा चंद्रमोहन जी के पास में चलेंगे। चंद्रमोहन जी, उत्तर प्रदेश में 2021 में चुनाव होंगे, कैसी तैयारी करेंगे, क्योंकि आपने वहां पर मंत्रियों की संख्या कम कर दी है। जी, नहीं देखिए, यहां पर सिर्फ देखिए हमारी सरकार का सिर्फ एक ही ध्येय है कि जनता का जो है हित सर्वोपरि है। जनता की जो है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, या जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करना एक उद्देश्य है। वो वोट बैंक के हिसाब से नहीं चलते। आप देखेंगे तो हमारी जो भी योजनाएं रही, चाहे केंद्र की या सरकार की, उसमें एक भी योजनाओं पे कोई दाग नहीं लगा सकता कि ये किसी जो है जाति या धर्म या विशेष क्षेत्र के आधार पर। देखिए, स्पष्ट मत है भारतीय जनता पार्टी का, एक सिद्धांत है, जैसे मैंने कहा अंत्योदय, यानी कि अंतिम व्यक्ति का उदय, उसका विकास, जो सबसे पिछले श्रेणी पे, आज भी वही सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सिर्फ सरकार काम उसी आधार पर करेगी कि जनता का हित कैसे हो, वो सर्वोपरि रखकर ही होगा, बाकी चुनाव जीतने या हारने के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी साफ कहते हैं, अपने सांसदों से उन्होंने कहा है कि आप जो है चुनाव जीत गए हैं और जिस क्षेत्र से आप आ रहे संसदीय क्षेत्र से, मेरा पक्ष और तेरा पक्ष नहीं चलेगा, आप वहां गौरव जीत चुके हैं, इसलिए उस क्षेत्र के आने वाले सभी लोग जो है आप सबके सांसद हैं, आप उनकी सड़क, बिजली, शिक्षा कैसे सुधारो, इसकी अब आपको चिंता करनी है। तो ये सरकार भी उत्तर प्रदेश में उसी उद्देश्य से काम करेगी। ठीक है, सवाल ले लीजिए। सवाल ये है कि वो कांग्रेस लगातार गरीबी हटाओ का नारा देती रही है, उसके नाम पर सरकार बनाती रही है, अब जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। आप अंत्योदय की योजना कब लाए थे और अब ले आए सबका साथ सबका विकास, लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर इस देश से गरीबी मिटती क्यों नहीं है, अंत्योदय लाइन में खड़ा हुआ अंतिम आदमी को कि तकदीर बदलती क्यों नहीं है। देखिए,
नहीं देखिए अंतिम व्यक्ति की चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे गरीबों को आवास मिला हो, चाहे आयुष्मान हो, ये सब अंतिम व्यक्ति का ही है। आप बताइए किस घर में शौचालय नहीं होगा, किस घर में गैस नहीं होगा, किस घर में किसको आवास नहीं मिला होगा, वो वंचित ही होगा ना। 40 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, चंद्रमोहन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सरकार बिल्कुल साफ नियत से काम कर रही है। सरकार की नियत सिर्फ साफ है कि सबका विकास हो। चाहे देखिए रोजगार के विषय में, देखिए मैं समय थोड़ा सा ज्यादा नहीं लूंगा, शॉर्टकट नहीं करूंगा, बाकी लोगों के देखिए चाहे जो है इसमें 16 करोड़ से अधिक मुद्रा जो है, ठीक बात है, चलिए फाइनल कमेंट ले के लिए जाना पड़ेगा। योजना हो चाहे जो स्टार्टअप योजना हो, चाहे समय स्किल डेवलप हो, समय कम है जरा दूसरे। मनोज पांडे जी, आपका फाइनल कमेंट, अब सरकार की अगली सरकार का अगला कदम क्या होगा, और खासकर भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए बड़ा स्पष्ट है, जैसे मोदी जी ने पिछले कार्यकाल में हर सांसद से कहा था एक गांव गोद लेने के लिए, जब तक गांव का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। शहरों का विकास भी जरूरी है, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी, तो गांवों के विकास पर, शहरों के विकास पर, रोजगार पर, और सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, शिक्षा पर जोर देना होगा, और जो GDP का कम से कम 10% शिक्षा पर खर्च करना होगा। यदि देश शिक्षित नहीं होगा, नौजवान शिक्षित नहीं होंगे, और शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण अगर नहीं रुकेगा तो ये मानकर चलिए कि देश का विकास तो दिखता रहेगा कागजों में, या हम देश के विकास की बातें करते रहेंगे, सड़कें दिखाते रहेंगे कि हमारे पास 4 लेन की, 6 लेन की, इतने एक्सप्रेस वे हो गए, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देश का विकास चाहिए तो देश में शिक्षा, चिकित्सा, अब मकान तो चुकी 2022 तक वो कह रहे हैं सबको छत हो जाएगा, तो उसकी बात अब न किया जाए, 2022 का इंतजार कर लिया जाए, लेकिन शिक्षा पर सरकार का विशेष ध्यान अब जाना चाहिए। शिक्षा पर किसी का विशेष ध्यान नहीं जा रहा है, और GDP का 3% 4% से भी कम खर्च हो रहा है, और शिक्षा की बदहाली हो चुकी है। मुझे लगता है कि शिक्षा सबसे बड़ा क्षेत्र है, और शिक्षा पर भी सरकार को कम से कम GDP का 10% खर्च करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बात कही आपने। मनन तिवारी जी, आपका फाइनल कमेंट, पांडे जी ने कहा कि शिक्षा पर 10% कम से कम खर्च करना पड़ेगा, और बाकी चीजों को भी देखना पड़ेगा जिससे देश का सम्यक विकास हो सके, आपकी अपनी राय। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, शिक्षा के में जो निजीकरण है वो बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है, और जब विकसित देश जो शिक्षा पे प्रतिशत, जैसे मनोज जी ने कहा कि 10% तो हमारे लिए जरूरी है, वास्तव में आज की डेट में उतना हमारे यहाँ जब भी शिक्षा की बात होती है तो निजीकरण को प्रश्रय दिया जाता है, जिसके काफी गंभीर परिणाम होते हैं, और शिक्षा को थोड़ा सा व्यवसाय परक हमें बनाना होगा। साथ ही साथ जो अगले इलेक्शन होंगे, जिनका सेमीफाइनल इन उपचुनावों में भी होगा, जो सांसद चुने गए इनके उसमें, तो उसमें राज्य सरकार की योजनाएं देखी जाएंगी। आखिर जो भर्ती बोर्डों में बराबर रद्द हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आखिर इतनी बार होने के बावजूद भी अभी कल ही लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार हुई है, तो यहां पर एक तो नौजवानों को नौकरी प्राथमिकता के आधार पर दी जाए, ये 2 साल हो गए हैं, बहुत सारे कमीशन हैं जो कि फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, नौकरियां प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक पढ़े लिखों को रोजगार नहीं मिलेगा, और जो पढ़ भी गया उनको रोजगार चाहिए, और साथ ही साथ गरीबों के लिए निचले स्तर पर काफी कुछ करना हमारे लिए बाकी है। अभी ऐसा नहीं है कि 2022 के इलेक्शन के लिए इनके लक्ष्य पूरे हो गए, अभी बहुत कुछ ग्राउंड लेवल पे करना बाकी है, और राज्य सरकार का अभी बहुत ध्यान देना है, विभागों पर इन्हें ध्यान देना है, शिक्षा को किस प्रकार से मतलब ज्यादा प्रयोग न किए जाए और कैसे जनोन्मुख बनाया जाए, थोड़ा जनवादी नीतियों को अपनाना भी होगा जिससे गरीबी को दूर किया जा सके, शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जा सके, और जो भी भर्ती बोर्ड वगैरह से वहां पे एक सख्त प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, कौशल विकास बनाया है, रोजगार टाइम पे मिले, कोर्ट में मुकदमे चलते रहते हैं, आदमी रिटायरमेंट होने वाला होता है तब तक पहुंच पाता है। मनन तिवारी जी, इसके लिए कौशल विकास एक नया विभाग बनाया है, में बहुत सारी उसमें नौकरियां प्रदान की गई थी उस तरह से, ठीक है। रतिमान त्रिपाठी जी के पास चलते हैं, रतिमान त्रिपाठी जी को जाना भी है, तो और उसमें से मुझे एक प्रणाली बना के जी, ठीक है। रतिमान त्रिपाठी जी,
चूंकि समय बहुत कम है और कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाना है, आपकी अपनी अंतिम प्रक्रिया, फाइनल कमेंट आपका। सरकार की चुनौतियां हैं, उन्हें चुनौतियों को सरकार स्वीकार करे और ठीक से काम करे ताकि जिन अपेक्षाओं पर सरकार जनता ने उन्हें वोट दिया है वो बेहतर ढंग से जनता को वो सुविधाएं वो योजनाओं उन योजनाओं का लाभ मिल सके, मुझे लगता है कि सरकार ऐसा सोचेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि मोदी जी ने अपनी कैबिनेट भी बना ली है और कैबिनेट बनाने के साथ साथ में उन्होंने अब पोर्टफोलियो भी आवंटित कर दिए हैं लोगों को और बता दिया है कि अब अमित शाह सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री होंगे, ये डिक्लेयर हो गया है। दूसरे कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे इस पर लोगों की निगाह लगी रहेगी, ये पार्टी का अंदरूनी मामला। उत्तर प्रदेश में भी अध्यक्ष को तलाशना होगा, ये भी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी क्या स्वर्णिम युग ला पाएगी। जहां तक मेरी जानकारी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देश में एक स्वर्णिम युग आया था जब वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाए थे। चक्रवर्ती सम्राट तभी होता है जब पूरे देश में उसका शासन होता है। मैं वही कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी का अब पूरे देश में शासन होगा? जो बचे खुचे राज्य हैं क्या भारतीय जनता पार्टी उनको अपने उस पाले में ला पाएगी? वेस्ट बंगाल में ये काम शुरू हो चुका है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बाकी जो राज्य बचे हुए हैं क्या उनमें भी सफलता के झंडे गाड़ पाएगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए।